वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल के कोई भी वीडियो आप फ्री टाइम और फ्री माइंड में देखिएगा, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट को ही दिखाया जाता है और हम अपना सब्सक्राइबर का टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ। मोबाइल डॉक्टर मिजनूर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजनूर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे UEFI बॉक्स में SPD चिपसेट की MMC को किस तरह से प्रोग्राम किए जाती है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको SPD चिपसेट की MMC में प्रोग्राम करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए कॉम्प्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आज मेरे पास एक माइक्रोमैक्स के मोबाइल है और ये मोबाइल जब मेरे पास आया था तो अब इसकी कंडीशन डेड था। मैंने एक बार फ्लैश किया तो मोबाइल ऑन हुआ, लेकिन हैंग ऑन लोगो पे अटक गया। तो आज हम इस मोबाइल के MMC चेंज करेंगे। वैसे इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो तो हमें पता नहीं, पर मैं इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इसका MMC चेंज करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट में IMEI नंबर को भी रिपेयर करके दिखाएंगे, कोई भी सिक्योरिटी एरिया राइट किए बिना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको SPD चिपसेट की प्रोग्रामिंग सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेप को दिखाने की कोशिश करूँगी और बाकी जो कॉमन चीज़ है वो हम फास्ट फॉरवर्ड या कट आउट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले MMC को निकाल लेता हूँ। देखिए, हमने MMC को निकल के बॉक्स में आइडेंटिफाई किया और ये उसका लॉग्स है। ये सैमसंग की MMC है और यहाँ देखिए MMC परमानेंट राइट प्रोटेक्शन इनेबल हो चुका है, मतलब MMC रीड ओनली हो चुका है। रीड ओनली और राइट प्रोटेक्शन दोनों सेम ही होती है। किसी भी MMC या मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क हो उसमें रीड और राइट दोनों ही होती है। रीड का मतलब उसमें जो डाटा है वो हम रीड कर सकते हैं या देख सकते हैं। राइट का मतलब उसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन रीड ओनली या राइट प्रोटेक्शन का मतलब उसमें जो डाटा है वो सिर्फ हम देख सकते हैं या रीड करके कहीं स्टोर कर सकते हैं, पर डिलीट या राइट नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा देखे होंगे कि जो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव होती है उसके अंदर जो फाइल रहते हैं वो शो करता है लेकिन डिलीट नहीं होता है, और जब आप उसमें कुछ राइट करते हैं तो वो राइटिंग होती है लेकिन मेमोरी में स्टोर नहीं होती है, तो उसमें भी रीड ओनली का प्रॉब्लम आ जाता है।
रीड ओनली तब हो जाता है जब एक ईएमएमसी या मेमोरी कार्ड का जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए जो ईएमएमसी रीड ओनली हो जाता है और उसमें जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो वो फ्लैशिंग कंप्लीट ले लेते हैं, लेकिन उसमें डाटा स्टोर ना होने की वजह से मोबाइल ओल्ड कंडीशन में रह जाता है। और जिनको इसके बारे में पता नहीं उनको लगता है कि फ्लैशिंग फाइल गलत है। अब हम इसका लॉक्स को कॉपी करके कहीं स्टोर कर लेंगे। कोई भी ईएमएमसी के ऊपर काम करने से पहले आप उसका फर्स्ट लॉक जो होता है वो कॉपी करके स्टोर कीजिएगा, ताकि लास्ट में आप उसको देख के पता कर सके कि कुछ गलत तो नहीं हुआ प्रोग्रामिंग में। अब हम दूसरा सेम ईएमएमसी इसमें लगाएंगे और हम इसका डंप और सिक्योरिटी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ कंफर्म कराना चाहता हूँ कि एसपीडी में डंप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपके पास अगर सेम ईएमएमसी नहीं है तो आप कोई भी सैमसंग ईएमएमसी में इसका सीआईडी को राइट करके कॉम्पिटिबल बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसका जो ईएक्सटी सीएक्सडी वर्जन है वो सेम है या नहीं। सेम है तो चलेगा, सेम नहीं है तो वो मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। और उसका स्टोर सेम या ज़्यादा वाला आप कर सकते हैं। ओरिजिनल स्टोर से कम आप लगाएंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। ओरिजिनल से ज़्यादा स्टोर ले सकते हैं लेकिन कम नहीं। और इसमें इंजीनियरिंग फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आरपीएमबी एरिया क्लीनेड है। ये ओल्ड मॉडल की मोबाइल है इसलिए कंपनी ने इसमें आरपीएमबी का सिक्योरिटी नहीं लगाया। लेकिन आज की डेट में जो मोबाइल आ रहा है उसमें आरपीएमबी का एक सिक्योरिटी होता है, वो आप क्लीन कर देंगे तो मोबाइल रजिस्टर्ड कंडीशन में आ जाएगा, तब उसका इंजीनियरिंग फाइल ज़रूरत पड़ेगा। लेटेस्ट मॉडल में ईएमएमसी चेंज करने के लिए आपको इंजीनियरिंग फाइल ज़रूरत पड़ेगा जो मार्केट में इजीली नहीं मिलता है। लेकिन ओल्ड मॉडल में जिसमें आरपीएमबी एरिया क्लीनेड है वो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक लावा मोबाइल की ईएमएमसी इसमें लगाया है। अब हमें यह देखना है कि ओल्ड ईएमएमसी के साथ सब कुछ मैच कर रहा है या नहीं। ओल्ड ईएमएमसी में आरपीएमबी साइज 512 केबी का है और न्यू ईएमएमसी में 4 MB है, तो हम इसको चेंज करके 512 करेंगे। लेकिन उससे पहले ईएमएमसी को फुल इरेज करना ज़रूरी है, वरना आरपीएमबी साइज चेंज डन दिखाएगा लेकिन दोबारा आइडेंटिफाई करने के बाद ओल्ड कंडीशन में जो साइज था वही रह जाएगा। देखिए, हमने आरपीएमबी साइज 512 कर दिया। अब हम फ्लैशिंग करेंगे और ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एसपीडी चिपसेट में। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें।
एसपीडी फ्लैश टूल आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ईएमसी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको मोबाइल में लगा देंगे। देखिए, हमने MMC को लगा दिया। अब हम एक बार ऑन करके चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि SPD और MT के चिपसेट में प्रोग्राम करने के बाद USB से एक बार फ्लैशिंग करना पड़ता है। तो हम एक बार फ्लैशिंग करेंगे। Thank you.
देखिए फ्लैशिंग करने के बाद अभी मोबाइल ऑन हो रहा है, तो कंप्लीट ऑन होने के बाद हम IMEI नंबर को भी रिपेयर करेंगे। देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है पर IMEI नंबर 0 हो गए, क्योंकि हमने सिक्योरिटी एरिया की फाइल राइट नहीं किया। तो अभी हम CMT डोंगल की मदद से इसका IMEI नंबर को रिपेयर करेंगे। देखिए हमारा मोबाइल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।